पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मुरारी बापू जी की एक ही पुस्तक देखी दास ने, और इसी में ये 204 नंबर प्रश्न जब देख के हैरान रह गया मैं थे कि सारे हिंदुस्तान में ऐसे महापुरुष का और सब गुण गावे, जगह जगह बोली आत्मा इनके वचन सुनने आवे और नरक में गड्ढे में गिरे हुए को उल्टा धक्का देवे, पड़ा रहे खड्डे में, पड़ा रहे यहीं पर, निकलना नहीं बाहर। वाह 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 क्या बात कही, और दुनिया फिर इनके और जय बोल और गुण गावे। हे मालिक बताओ, हे परमात्मा ये कहां ले जाएंगे इस समाज को। अब मुझे ये ठेका दे दिया भगवान ने, ये बताओ ये तो स्वयं हनुमान की फोटो लगा रखी मालिक। हे परमात्मा ठीक है अनादरणीय नहीं लेकिन पूजनीय नहीं होते, ये तो महापुरुष थे, राम भगत थे, प्रभु के प्यारे थे, और ये स्वयं कहा करते भगवान बजो भाई मेरी पूजा ना करो। कृष्ण देखो कितना स्पष्ट कहा है, कहते थे कि अब एक भगत दूसरे भगत की पूजा करे पता कहे की समझदारी या कोई बात जची। ये देखो इन महापुरुषों के रंग कितनी बढ़िया पुस्तक बना रखी, देखते जी करा जानो बहुत बड़ा इसमें ज्ञान भरा पावेगा, और ना जाने क्या खजाना भर दिया होगा महापुरुष ने, और देखे तो इनमें फिर पावे क्या। ए मालिक अब जैसे यहाँ कहना तो ये चाहिए था इस महापुरुष ने उस भक्त आत्मा को जिसका प्रश्न आया था कि मैं पूजा करूं हनुमान की दिख है श्री कृष्ण जी, उसको ये श्लोक दिखाना चाहिए था गीता जी के 7वें अध्याय का 12 से लेकर 15 तक, और फिर आगे और भी बताना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भगवान ने कहा है कि आन उपासना ना करो तुम मेरी पूजा कर। हनुमान आदि से तो श्री कृष्ण की पूजा भी अच्छी, पूजा का तात्पर्य है कि जैसा भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है ओम नाम के जाप से प्रारंभ होता है। ओम नाम का जाप जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये जो पूजा की जाती है श्री कृष्ण की और भगवान शिव की है। कहते हैं इनसे तो अच्छा तो मेरी ही पूजा कर ले, लेकिन उसको जब स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए तो गीता का वो ज्ञान याद आ जाना चाहिए, कहा कि इन तीनों गुणों तक की भक्ति करने वाले भी पाप आत्मा है, हनुमान की पूजा मत कर, हनुमान मेरी पूजा करता था, ऐसा ही सोचो श्री राम पूजा करता था। तो भगवान ने कहना तो ये चाहा था स्वप्न में कि तू हनुमान पूजा त्याग और मेरी पूजा कर भाई, लेकिन अपनी की भी पूजा अक्षणी कहे, हनुमान जी की पूजा और बाबा श्याम जी जी की पूजा ये तो कहीं शास्त्र प्रमाणित है तो वैसे ही व्यर्थ है। ये तो हम ये दास भी बचपन से किया करता था लोक वेद के आधार पर, सुनी सुनाई बातों के आधार पर, अब पता चला कि वो 25 वर्ष खो दिए इस दास ने। होए होए अगर बचपन से ऐसा सत्य ज्ञान निर्मल ज्ञान बन मिल जाता दुनिया जाग जाती अब से पहले। अब ये महापुरुष जी का प्रकरण चल रहा है परमहंस श्री योगीराज श्री हंसराज जी हंस जी महाराज का, ये आपको प्रसंग चल रहा है। इन्होंने कहा है कि अमृत के कलश में 453 पृष्ठ पे कि कहां लिखा गीता में गीता का पाठ करो, और गीता जी में लिखा है कि अर्जुन जो मेरे और तेरे संवाद को अर्थात गीता शास्त्र को जो पढ़ता है और सुनता है, ये अध्याय नंबर 18 का अब श्लोक नंबर 71 देखिएगा, ये ऊपर देखिएगा, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर दोष दृष्टि रहित होकर गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, ऊपर देखो पहले पढ़
जो इस अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 70 जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ होती है धार्मिक शास्त्र प्रमाणित शास्त्रों का पठन पाठन, अन्य का नहीं, और इष्ट ज्ञान से इष्ट पूजित होऊंगा, मैं इष्ट हूं उससे मैं इष्ट होऊंगा, क्योंकि इसमें वर्णन हम इष्ट मानकर ब्रह्म की पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। और देखो आगे, और जो मनुष्य युक्त श्रद्धा युक्त होकर दोष दृष्टि रहित होकर गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया, तेरा ज्ञान धनित मोह नष्ट हो गया। अब कहने का भाव ये है, ये महापुरुष शास्त्रों में विद्वान गीता की सच्चाई को छुपा करके अपने हिसाब से साधना बता रही, क्योंकि इन प्यारी आत्माओं को तलाश थी प्रभु की, और संत मिल गए वो नादान जिन्होंने डुगडुगी दे दी, एक खिलौना दे दिया। और ये बच्चे होते हैं क्योंकि 23 साल की उम्र में, और प्रभु की तड़प हो जाना ये एक मान बहुत विचारणीय विषय होता है। इस आयु में तो कोई भक्ति को सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता। और ये हंस जी महाराज लाहौर में गए और वहां से बबूल का बीज ले आए, आम समझ के आप भी बीजा और फिर सारे संसार में भिजवा दिया। अब ये क्या बताते हैं, ये स्वयं बताते हैं कि हंस योग प्रकाश के 212 पृष्ठ पे ये कहते हैं कि हंस नाम का जाप करना चाहिए। इन्होंने अथर्ववेद का प्रमाण सूक्त में लिखा है, अथर्ववेद 11:4-21 में एकम पादम, इसमें हंस नाम का कितना जिक्र नहीं, इसमें कहीं भी हंस नाम का नाम के जाप का कोई वर्णन नहीं है। यहां कहते हैं हंस नाम का प्राण है, हंस का अर्थ मैंने जैसे पहले बताया था, ये एक प्राणी, वो हंस, वो भक्त आत्मा जिन्होंने प्रभु के सिवाय अन्य दुष्कर्मों को त्याग दिया, शुभ कर्म करने लग गया, जिसको ज्ञान हो गया, सार असार को समझ गया, जैसे एक हंस पक्षी होता है, एक हंस पक्षी होता है वो दूध के अंदर अगर पानी डाल रखा और उसके आगे रख दिया जाए पीने के लिए, तो वो दूध दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है, वो दूध और पानी को नीर खीर को छान लिया, अर्थात जिसने ये समझ लिया कि प्रभु की भक्ति के बिना जीव का कति ठिकाना नहीं और पाप कर्म सपने में भी नहीं करने चाहिए, उसको हंस आत्मा कहते हैं। जैसे हंस उन सरोवरों में होता जाता है जहां पर मोती होते हैं और वहीं पर बुगले भी होते हैं, वो एक जैसे सम शरीर के होते हैं, उनकी पहचान नहीं कर सकते, उनकी पहचान ऐसे ही होती है कि वो जो बुगले होते हैं बुगले खाते हैं मच्छी घोगे, और वो हंस केवल मोती खाते हैं, वो मच्छी नहीं खाते, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते। इसलिए हंस उस पुण्य आत्मा को कहा है जिसने सार सार को समझ लिया और बुराई नहीं करता, प्रभु भक्ति करता है। और हंस इस जीव आत्मा को भी कहा है, प्रभु का नाम हंस नहीं है। ये देखिएगा हंस योग प्रकाश, योगीराज परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक प्रेम नगर आश्रम रजिस्टर हरिद्वार। हंस योग प्रकाश, योगीराज परम संत सतगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक श्री प्रेम नगर आश्रम ज्वालापुर रोड हरिद्वार रजिस्टर्ड है। और ये प्रथम ही इसमें
दो शब्द में कहा है, श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज के आनंद कंद सचिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। यह ग्रंथ विक्रमी संवत 1888-1989 में लिखा गया, संवत 1991 में छपकर तैयार हुआ। ये कहा कि इनका अपने ही हाथ कर कमलों का द्वारा लिखा गया, अपनी ही सोच है। हंस नाम का प्राण है, कोई जीव है हंस नाम का, अथर्ववेद बताता है। श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ सबते ही सह की ध्वनि होती है, और श्वास के बाहर आने से हंस हम की ध्वनि होती है। हम और सह मिलाकर हंस शब्द बनता है, उल्टा होने से हंस शब्द सोहम, अब देखो सोहम हो जाता है। ये हंस का उल्टा सोहम बताओ भी कैसे बनेगा? उच्चारण में ध्वनि में अंतर हो जाएगा, सोहम ये स हम हंस हम और सोहम। आगे देखिएगा बनता है, और प्रमाण देते हैं, उल्टा नाम जप्या जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अब का वेद को छोड़ के रामायण पर आगे, अब सोहम अस्मी इति व्रत अखंडा ब्रह्म अस्मी। अब सोहम जो है हंस जो है जीव होता है, और सोहम शब्द जो है ये भी यहां बताते हैं, सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है, स्वयं ही होती रहती है। और वाल्मीकि जी ने कहते हैं उल्टा नाम जपा, और तब उनको, अब यहां कहां सिद्ध करना चाहे महापुरुषों ने कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। पहले हम सुनते थे कि कोई कहता था कि उन्होंने राम राम मैं राम रा, यानी ऐसे जाप करते करते उनका उल्टा मरा मरा हो गया, मरा मरा जपेंगे इसलिए वो कहते महात्मा सिद्ध हो गए। नहीं, यही अनजान अटकलें ये महापुरुष लगा रहे हैं। देखो आदरणीय वाल्मीकि जी के बारे में सुना है कि वो पहले ब्राह्मण कुल में थे, और उन्होंने गलत संगत के कारण वो डाकू बन गए, और डाकू भी तहलका मचा दिया। फिर उनको नारद जी मिले, कोई कहता सप्तऋषि मिले, जैसे भी कोई मिला, उन महापुरुषों ने उसको समझाया, उनके समझ में आ गई, क्योंकि वो पिछली पुण्य आत्मा थे, जन्म जन्मांतर के बहुत शुभ कर्मी थे। नहीं तो एक ही दिन की चर्चा में किसी को समझन नहीं आता चाहे कितनी बात बनावे। ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मी प्राणी थे, और एक ही विचार को समझ गए, अपना जीवन सफल किया, और जैसा भी साधना उनको बताई उन्होंने, अपना मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और नारद तो उनको ओम ही नाम स्मरण का मिला था। और स्मरण के साथ साथ अब यहां कहते हैं ना उल्टा नाम जप्या जग जाना, उल्टा का अर्थ बुरे कर्मों को त्याग के और सतमार्ग पर उलट के आ गया, और फिर नाम जप्या जग जाना, नाम के जाप से जग में प्रसिद्ध हुआ और महर्षि बना। अब क्या हुआ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी भगवान के तुल्य हो गए, यानी अच्छी आत्मा होगी, परम आत्मा होगी, श्रेष्ठ आत्मा होगी, बुराई त्याग दी और ध्यान किया, यानी तप किया, मेडिटेशन किया इन्होंने। ये मेडिटेशन जो है ये यज्ञ बनती है, और जो सहज ध्यान है वो यज्ञ नहीं बनता, ये यज्ञ बनती है। और तप करने से आप बगैर किसी नाम के जाप के भी तप कर लो, आप में बहुत आत्म शक्ति जागृत हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में आपने देवी भागवत महापुराण में पढ़ा, ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद बेटा, नारद
मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आ गया, और मैंने उस कमल के फूल का, उस जल का देखा कहीं उसका अंत हो, मुझे कहीं उसका अंत नहीं मिला। फिर मैं कमल की उन कणिका पर बैठकर सोचने लगा, इसी अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मैं कहां से आ गया, मेरा क्या कर्तव्य है। तब आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। मैंने हजार वर्षों तक तप किया, ये काल के जाल हैं। आकाशवाणी कर दी, तप करो। ब्रह्मा कोई नाम जाप नहीं करता था, क्योंकि उन्हें वेद तो बाद में पढ़े। ऐसे तप करने से उसमें सिद्धि आ गई, और सिद्धि आने से उसमें कुछ सिद्धियां जो भविष्य की भी बता दे वह। ऐसे वाल्मीकि जी ने काफी वर्षों तक तप किया, और क्योंकि उसमें तो ओम नाम प्रचलित है ही, ओम नाम का जाप किया, उसमें सिद्धियां आ गई, और फिर उन्होंने उस सिद्धि के आधार पर भविष्यवाणी कर दी और एक रामायण लिख दी कि ऐसे विष्णु ही राम अवतार धार के आएंगे, उनके साथ ऐसे ऐसी होगी। तो ऐसा ये अपने हिसाब से, क्योंकि जिसने अपनी सोच को, जो उन्होंने सोच रखा, उसको सत सिद्ध करने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं, लेकिन जो प्रमाण वेद और गीता में नहीं है तो ब्रह्म तक की साधना बिल्कुल व्यर्थ है और वो मान्य नहीं है। अब ये क्या चीज है, जैसे इन्होंने उपनिषदों का, रामायण आदि का आश्रय लिया है, उपनिषद क्या चीज होते हैं, उपनिषद एक व्यक्ति विशेष की सोच होती है। अब आने वाले समय में हंस आत्मा इसमें लिखी हुई, हंस योग प्रकाश में लिखी हुई इस हंस नाम के जाप की व्याख्या का प्रमाण देकर और इसकी आड़ लिया करेंगे, ये नहीं मान्य होगा, बिल्कुल नहीं मान्य होगा। और जैसा कि आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि परमात्मा निराकार है और ओम नाम उनका जाप है, इन महापुरुषों ने इस महापुरुष ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना वेदों के टीका करने से, वेदों का हिंदी अनुवाद करने से पहले लिख दी। वेदों को कहीं कहीं से पढ़ा, उसमें से अपना निष्कर्ष निकाल दिया कि ओम नाम जाप करो और ब्रह्म ही पूर्ण प्रभु का नाम है। वेदों जैसा सत्ज्ञान नहीं है। इन महापुरुषों ने बहुत अच्छी चेष्टा की है सच्चाई को सामने लाने की। ऐसे महापुरुष को अगर ये सत्य ज्ञान मिल जाता तो ये शास्त्रों को छाण कर कर देते, लेकिन यही हमारे दुर्भाग्य रहा है कि हमें अभी तक ये सत्य ज्ञान नहीं मिला। इस कलयुग में महर्षि दयानंद जी ने ये तो कृपा की कि वेद जैसा शास्त्र नहीं, और वेद में जो लिखा वो 100 का 100 सत्य है। ये तो अच्छा कहा इन्होंने, लेकिन जहां तक इनकी बुद्धि ने काम किया वो तो अच्छा किया। इन्होंने ब्रह्म को ही पूर्ण मान लिया और ओम नाम के जाप को प्रभु का श्रेष्ठ नाम बताया। यह बिल्कुल सही है, ब्रह्म का नाम ओम है। अगर इसकी उपलब्धि लेनी है तो ओम ही नाम के जाप से होगा, अन्यथा नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आगे इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा होने से प्रभु का नाम ब्रह्म है, ईश्वर का नाम ब्रह्म है, सबसे बड़ा होने 21 ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यही ब्रह्म है, चर पुरुष काल भगवान है और इसका नाम ओम है। जैसे इनकी जहां तक सोच ने काम किया वहां तक ठीक लिखने की चेष्टा की। जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में सबसे बड़ा होता है और वो मुख्यमंत्री ही होता है,
लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं, प्रधानमंत्री एक देश में सबसे बड़ा होता है। ऐसे ही ये ब्रह्म तक का ज्ञान इन्होंने दिया, लेकिन प्रभु को निराकार बताया, और वेद कहते हैं प्रभु आकार में, यहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी। वेद कह रहे हैं परमात्मा आकार में है, और ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। तो ये जो है सत्यार्थ प्रकाश, ये एक अब इनको इन्होंने देखिएगा प्रारंभ में सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में ही प्रथम में ओम नाम से प्रारंभ किया है। मैं ये सिद्ध बताना चाहता हूं कि ओम नाम है ब्रह्म की जाप का, इसमें कोई शक नहीं, ये सत्य है इनका, अत सत्यार्थ प्रकाश है। ओम से प्रारंभ करते हैं यहां के, ओम शांति शांति शांति, ओम ओम जो यह ओंकार शब्द है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। परमेश्वर का नहीं, ये कहना था ईश का, ईश ईश्वर परमेश्वर, ये सबसे बड़े भगवान का जिक्र किया इन्होंने, परमेश्वर का नाम है ओम नाम, ये परमेश्वर ब्रह्म को मानते हैं नाम है। आगे देखिएगा या नीचे देखो, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये इसी सत्यार्थ प्रकाश अध्याय नंबर सत्यार्थ प्रकाश प्रथम और समोल्लास के 19 पृष्ठ पे, और साथ में देखो ओम नाम लिखा है इसमें, ओम आदि नाम सार्थक है, क्योंकि ये सब प्रमाण दिया कि वहां वहां लिखा उनमें, और इनका जो है सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब आने वाले समय में आर्य समाज को के लिए ये एक शास्त्र बन गया, और वो इसी की आड़ में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन ये मान्य नहीं है। मान्य केवल वेद हैं, क्योंकि वो महर्षि दयानंद जी को भी मान्य है कि वो सत्य ज्ञान है। अब वेदों से ही हमने फिर प्रारंभ करना होगा। अब देखो इन्होंने बताया कि परमेश्वर ओम नाम परमेश्वर का है, ईश ईश का अर्थ होता है प्रभु मालिक स्वामी, ईश्वर इससे भी श्रेष्ठ अर्थात इसका भी पति, वर माने पति भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, इस ईश से बड़ा वर वो श्रेष्ठ ईश्वर हुआ, दो भगवान, और परमेश्वर फिर तीसरा भगवान, तीन परमात्मा हैं। परमेश्वर शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था महर्षि जी ने, अगर एक परमात्मा ही बताते तो, परमात्मा एक है अनेक नहीं, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में आने वाले समय में आपको पूर्ण विवरण के साथ दिखाऊंगा। किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से दयानंद जी से कि परमात्मा एक है या अनेक, इन्होंने कहा एक, और स्वयं परमेश्वर शब्द प्रयोग करते हैं, ईश ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा पूर्ण परमात्मा। तो परमेश्वर शब्द जो है तीन तीन भगवानों का बोध कराता है, यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, एक ब्रह्म ईश, फिर ईश्वर उस ईश से भी बड़ा श्रेष्ठ, और परमेश्वर वो ईश्वर से भी बड़ा। अब ये इन महापुरुषों के आने वाले समय में एक उपनिष्ठ का काम करेगा, और ये भी आने वाले समय में एक उपनिष्ठ का काम करेगा, पर ये फाइनल नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। जितना इनमें है ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर हमने वेदों से फिर सब चलना होगा। अब जैसे कोई बच्चा कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल निकाल रहा है, उसमें मूल रकम दी गई है, और वो निकालता निकालता जाकर के फिर बीच में विचलित हो जाता है, जहां तक निकाला वहां ठीक, आगे गलत कर दिया, तो उसने फिर दोबारा उसी मूल उससे शुरू करना होगा, वहीं से पीछे वाले को सब साफ करके पहले जो उसने सोचा था फिर वहां से फिर शुरू करवाएगा,
जैसे किसी के पास जाएगा कि समस्या उलझ गई है तो उसको साफ करवाएगा, फिर नए सिरे से उसी मूल क्वेश्चन से, मूल पर्सन से लेकर के फिर उसका सॉल्यूशन प्रारंभ होगा। अब हमने फिर वेदों से शुरू होना होगा, इन शास्त्रों को जितना इनमें लिखा ठीक है, इन महापुरुषों के जितनी इनकी सोच ने काम किया वहां तक इनके, इन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया, परंतु ये फाइनल नहीं है। जैसे किसी ने रेडियो बनाए थे पहले, उसे मोटे मोटे आजकल के टीवी भी, टीवी जैसे, उन्होंने अपने हिसाब से तो अच्छा किया। इन महापुरुषों ने तो कोशिश की है बहुत कुछ देने की, लेकिन इसे आगे और चलना होगा, यह पूरी नहीं अधूरी। जब साकार वस्तु को निराकार बता दिया, नाशवान को अविनाशी बता दिया, ब्रह्म तो नाशवान गीता बतावे और स्वयं ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो। इस इन्हीं के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में दिखाऊंगा आपको। ये स्वयं कहते हैं कि परमात्मा ने, परमेश्वर ने, यानी ब्रह्म ने, क्योंकि ये परमेश्वर ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म ने ही एक एक ऋषि के अंदर प्रवेश करके और ये वेदों को बोला था, उन्होंने कहा था। और वो ब्रह्म कहता है, ब्रह्म कि उस परमात्मा का भजन करो सभी प्रजा, उस परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो सभी। तो अब हम यहां आपको फिर वेदों से ही ये सब आपने सब भूलना होगा। जैसे बच्चा सवाल निकाल रहा है, उसे नहीं निकला तो वो उस किसी जानकार के पास जाता है, तो वो क्या करता है, उस सबको एक बार हटा देता है उससे और फिर शुरुआत करता है उसी मूल रकम तय, उस मुख्य रकम से, यानी उस पर्सन से प्रारंभ हो गया जो उसमें क्या पूछा गया है, क्या चाहा है, उसी से फिर वो अपने फार्मूले लगा के उसको फिर ठीक निकालेगा। इसलिए हमने वेदों से फिर प्रारंभ करना होगा, ये दास यही चाहता है। अब इन्होंने प्रसंग चल रहा है हंस जी महाराज का, क्योंकि ये शंका का समाधान चल रहा है, शंका समाधान। अब जैसे ये बताते हैं कि हृदय में पहुंच जाओ, वहां रोशनी देखो। हृदय क्या है? ये शरीर जो है एक टीवी समझो, टीवी फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, और इसमें चैनल लगे हुए हैं। एक मूल कमल है, मूल कमल नामक चैनल समझो, उसमें गणेश जी का कार्यक्रम चलता है और उस चैनल का नंबर है, वो नाम है, उसका जाप करने से वो ऑन होगा, वो इस दास के पास है। और फिर स्वाद चक्र है, मूल कमल से ऊपर एक स्वाद कमल है, उसमें सावित्री और ब्रह्मा का चैनल है, उसको एक नाम देंगे आपको, उस नाम से मंत्र से वो जाप वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर नाभि कमल, ये सुंडी जो है, सुंडी नाभि, इसके पीछे, इसमें नहीं, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये गुदा से शुरू हुआ था, गुदा के पास जाके ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बैंड हो जाती है थोड़ी सी, जरा सी, उस बैंड से के समापन होने के तुरंत ऊपर ऊपर को गुदा के पास वो मूल कमल गणेश जी का वास है। मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। कबीर साहब, गरीबदास जी और जिन महापुरुषों ने सेंसरार कमल तक की पहुंच हुई, जिन्होंने वहां तक उसको ढूंढा, उन महर्षियों की, लेकिन इन्होंने कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने सेंसरार कमल को तो रिजेक्ट बताया, उसे आगे चलना हमने। सेंसरार कमल से फिर विहंगम मार्ग प्रारंभ होगा, विहंगम पक्षी की तरह उड़ जाना, क्योंकि शरीर के अंदर ये पिंड, अंड और ब्रह्मांड इस शरीर को ही कहते हैं, इस शरीर में इसको पिंड कहते हैं और इसके अंदर इस पूरे एक ब्रह्मांड का वर्णन है, यानी टीवी टाइप में, और ये इसका, इस ब्रह्मांड का एक एलिपिकल साइज शेप है, इसलिए इसको अंड भी, पिंड भी, ब्रह्मांड भी और पिंड इस शरीर में इसका नक्शा होने से, जैसे टीवी में होया करें, ऐसे इसको पिंड भी कहा है। तो ऐसे स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहां सावित्री ब्रह्म आ रहे हैं, इसका एक मंत्र है, उस मंत्र के हिसाब से इसको जाप करेंगे तो ये वास्तव में ज्ञान योग सतगुरु कहें।
फिर कहें नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संगवास है, उस स्वाद ब्रह्मा के कमल से ऊपर विष्णु जी का कमल है, उस ब्रह्मा के कमल की 6 पंखुड़ियां हैं, एकांतरी सी बनी हुई हैं अंदर, जैसे बहुत छोटी छोटी सी कमल जैसी पत्तियों की, और फिर वो नाम के जाप से जैसे ब्लेडर में हवा होती भर जाती है, ऐसे वो खिल जाती है। अब तो ऐसे मुरझाई पड़ी है जैसे गाय और भैंस के सतन, उनके पहुंचने से पहले जब उनका बच्चा उनको दूध से तैयार करता है, उनमें ऐसे चूस चूस के फिर वो उनमें दूध भर जाता है, तो ऐसे खुले खुले हो जाते हैं। ऐसे इस नाम के जापते वो पंखड़ियां ऐसे खिल जाएंगी, और उनके वो ऐसे अब ऐसे बुसी पड़ी है ऐसे, उनके बीच में वो निशान है जहां पर वो रोशनी है, और उस रोशनी में अगर ध्यान आगे जाएंगे तो वो ब्रह्मा और सावित्री दिखेंगे, और मूल कमल वाले में देखेंगे तो गणेश जी का जो लोक है जहां वो रहते हैं इसमें शिवलोक में, वो स्थान दिखेगा, उसका क्षेत्र दिखेगा और नहीं दिखाई देगा, इतनी ही रेंज होगी। उसके बाद फिर नाभि कमल में विष्णु विशंबर, इस एक 3 लोक का विशंबर जहां लक्ष्मी संगवास है, यहां पर एक नाम देंगे उस नाम के जाप से, इसको कहें जो जानत बिरला दास है। आगे फिर हृदय कमल है, एक विष्णु जी का जो कमल है उसकी 8 पंखुड़ियां हैं, एक हृदय कमल है विष्णु नाभि कमल से ऊपर आके, ये जो सतन है हमारे इनके बिल्कुल सेंटर में, ये दिल अलग है, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है, हृदय कमल में यहां आकर के रीढ़ की हड्डी के साथ चिपके हुए 12 पंखड़ियों का एक कमल है, 12 पंखड़ियों का ऐसे, और एक नाम देते हैं सोहम नाम, उस सोहम नाम से हृदय कमल की पंखड़ियां खिल जाती हैं, और हंस हंस ये तो कोई जाप ही नहीं है, और उस सोहम जाप का अलग से वर्णन है, वो केवल हृदय कमल तक आपको पहुंचाएगा और वो कमल खिल जाएगा, उसमें अगर आप पहुंचे होगे तो आप बताओगे कि वहां शिव और पार्वती जी हैं, उसमें भी ऐसे एक चमक आएगी, उस चमक में आपकी दृष्टि टिकेगी सूरत, और फिर वो देखेगी जैसे दूरबीन देखा करते हैं, फिर वहां पर शिव और पार्वती आपको दर्शन देंगे, पहले प्रकाश दिखेगा उसके बाद फिर वो दिखेंगे वास, क्योंकि उन्हीं का रिफ्लेक्शन आया हुआ है उन प्रभुओं का, जैसे बल्लभ जगा दे, और जिसने बल्लभ देखा नहीं, बार देख ली रोशनी झाकी, वहां का प्रकाश देख लिया, प्रकाश देख लिया, वाह क्या बात है। अब अगर अंदर जाते उस मकान में तो देखते वो काहे का प्रकाश है, ट्यूब ठीक कि बल्लभ था, आकार बताते वो, ये रोशनी को निराकार बताते, रोशनी को ही आकार बताते, बाहर देख लिया झांकी में गए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन भगवान की प्रभु से लाइट बनती है, 3 लोक के प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के प्रकाश, अब इनके अपने अपने पावर यानी बल्लभ है, इनके वाट है, इनकी तीनों के तीनों की ब्रह्मा विष्णु महेश की एक जैसी लाइट है, एक ही वाट है, एक जैसी वाट, जैसे एक तो ट्यूबलाइट हो जा एक बल्लभ की, और वाट हो एक जैसे ही, ऐसे इनके आकार में फर्क है, और आकार ये स्वयं है इनका, और लाइट उनका निराकार है, जो केवल रोशनी देख रहे हैं उनको उन्होंने कुछ नहीं देखा है, और हृदय कमल बता रहे, वो तो लाइट केवल संसार कमल में है, वहां ये भगवान निराकार काल नहीं रहता, वो केवल निराकार, इसलिए उसको निराकार योगियों ने माना है, ये रीढ़ की हड्डी जो यहाँ बैंड होती है थोड़ा सा, इससे पहले यहाँ 16 पंखड़ियों का बना हुआ एक आंतड़ियों का एक कमल टाइप है, बहुत छोटी है, होती है बहुत ही छोटी, और फिर जब वो एक नाम हम दास देता है हमारे गुरुदेव का दिया हुआ, उसके जाप से ये अपने आप खिल जाते हैं, अर्थात फिर ये रास्ता भी हमें दे देते हैं, हम इनका ये जो पहला मंत्र आपको देंगे इनके ऋण मुक्त हो गए और ये खुल जाएंगे, अर्थात इनमें रास्ता हमारा साफ हो जाएगा, इनको इनके अंदर प्रवेश नहीं करना हमने, हमने तो यहां से चलना है नीचे से और निकल जाएंगे। इस नाम के जाप से जब हम अपना वास्तविक मंत्र जपते हुए और जब शरीर छोड़ेंगे तब हमने रास्ता हमारा मूल से चलेगा, हमारी आत्मा एकदम नाभि कमल में जाएगी, नाभि से हम नीचे जाएंगे और नीचे से फिर वो रास्ते पर होकर फिर हमारा रास्ता नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने पहले उनका ऋण मुक्त कर रखा है और सबके पासपोर्ट के कागज पूरे करवा रखे हैं। फिर हम त्रिकुटी यानी त्रिकुटी में आएंगे जहां पर नेशनल एयरपोर्ट है,
और वहां से फिर परमेश्वर गुरु रूप में आपको वहां मिलेगा, नूरी रूप होगा उनका। और वहां से फिर हम जाएंगे सेंसरार कमल, सेंसरार कमल से फिर हमारी फ्लाइट होगी डायरेक्ट, सीधे परब्रह्म के लोक को पार कर जाएंगे। और ओम नाम की एक नाम हम ओम देंगे आपको, वह श्वास से स्मरण होगा, उसके साथ एक मंत्र और होगा ओम नाम की कमाई। ये पहला मंत्र आप देंगे, इनसे तो हमारे कमलों का ऋण उतर जाएगा, जो इस यहां से लेकर यहां तक का हमारा सफर है उसकी सब छुट्टी होगी। उन वो ये हमें छोड़ देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, हमारे पर कोई इनका ऋण नहीं होगा, न ये बाधक होंगे, हमारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ओम नाम के जाप की कमाई हम इस 21वें ब्रह्मांड को जब पार करेंगे, काल के चरणों में रख देंगे, संभाल तेरे डमडमे ने, ये तेरी पूंजी महाराज, पकड़ो अपनी, हमारा पीछा छोड़ो। फिर एक और मंत्र है, उस विधि से करने से उस मंत्र का जाप परब्रह्म का ऋण उतरेगा। परब्रह्म का बहुत लंबा रास्ता है अक्षर पुरुष का, उसका ऋण हम उसके उसके देश से जाने का ऋण हमने उसका देना पड़ेगा, वो वहां छोड़ देंगे। और फिर तीसरा जो मंत्र है हमारा, वो हमें सतलोक ले जाएगा और वहां जाके हमारा मूल ठिकाना बन जाएगा, फिर ये जन्म मरण का वर्मना भटकना नहीं होगी। अब ये नादान अनजान संतों के मार्गदर्शन किए हुए बोली आत्मा भक्त आत्मा कहते हैं, रास्ते तो एक है, रास्ते अनेक हैं, जाना एक ही जगह है। जब शरीर एक है मनुष्य का, एक जैसा ही है, जाना ऐसे ही है, बता दूसरे रास्ते कहां से जाएंगे। नाम की कमाई से ही वहां जाया जाएगा, नाम की कमाई नहीं है तो सब बनाने की बातें हैं। नाम की कमाई से वहां जाएंगे, और मान लीजिए आप अंदर देख रहे हो, मान लीजिए आपका हृदय कमल किसी योगी ने खोल लिया और उसमें भगवान शिव दिखाई भी देने लग गया, इनकी बड़ी बात करें महापुरुषों की, इन्होंने हृदय में मान लीजिए लाइट देख ली, उसको प्रभु मान लिया, और फिर अपने ही गुरुदेव के दर्शन अंदर हो जाना, कहते हैं ये प्रभु का आकार रूप में दर्शन है। ऐसे ही राधा स्वामी वाले बताते हैं, ऐसा धनधन सदगुरु वाले बताते हैं कि गुरु के ही दर्शन होंगे, नूरी रूप में आएगा, बस समझो साक्षात्कार हो गया। अब ये कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार क्या हो भाई? आत्मा, अगर हम आत्मा को देखेंगे तो देखने वाला कौन है, यह समझ में नहीं आई मेरे तो अभी तक। अब मैं आत्मा देखूंगा तो वो तो कोई और चीज हुई, मैं कोई और हुआ या कोई बात हुई? जब मैं किसी को देखूंगा, देखा है तो दूसर हुई, वो तो कोई और है, आत्मा नहीं है। अपनी आत्मा नाम के देख, बताओ, या समझ में नहीं आई? अब यहां बात धीरे धीरे आपके सब समझ में आ जाओगी। अब जैसे शीशे में स्वरूप देख ले रोज उठ के, सब दाढ़ी बनावे वैसे भी, तो वो आत्मा देख ली उसमें, सोच ले ऐसी स्वरूप दिखाते हैं, सूक्ष्म रूप दिखा दिया, ये कोई और है, ये आत्मा दिखा, यह साक्षात्कार हो गया आत्मा का, ऐसा नहीं भाई। इन शास्त्रों को फिर देखना होगा, इस दास ने जो आपको बताया इस दृष्टिकोण से देखना, और प्रभुता छोड़कर प्रभु की तलाश सोच के देखो। संत वही होते हैं जो हार जावे, हम अपनी अधूरी साधना को सत सत करने के लिए यदि वाद विवाद पर उतरेंगे तो हम संत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरिजन तो हारा भला जीतन दे संसारे, आरा तो हर से मिले भाई जीता यम की लार। हमने पहले हारना होगा जब प्रभु हमारे साथ होगा। मैं अगर इस दास से कोई गलत टिप्पणी हो रही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी दो कौड़ी का जीव तो तुच्छ बुद्धि जीव हूं, मैंने भी इन शास्त्रों को पढ़ा पर और गुरुदेव का आदेश से अपना जो उन्होंने विधि बताई सिमरण की वो की, उससे जो उपलब्धियां हुई और फिर वेदों में गीता में वो ज्योंकी तो पाई, और कबीर साहब के गरीबदास जी के शास्त्र में, गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहिब में ज्योंकी तो पाई, तब मैंने ये ढंडोरा पीटना शुरू किया। अब जैसे भगवान कृष्ण को ये भगवान मानते भी हैं और संकोच भी करते हैं,
भगवान कृष्ण को ये भगवान मानते भी हैं, उनके द्वारा बताई गई विधि को मानते मानते फिर अपनी टिप्पणी उड़ जा देते हैं और संकोच भी करते हैं, क्योंकि ये गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु ही भगवान है। बस ऐसा नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान से मिलाने वाला मीडिया है। हमने गुरु के प्रति प्रभु जैसा ही भाव बनाना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरे गुरुदेव के स्थान पर और मेरे वो इष्ट होते जिसकी हम पूजा करते हैं, तो हमारा कैसा भाव बनता, कैसे विनम्र होते, आंखों में पानी भराते, ऐसे मुख की तरफ देख कर रोते रहते जैसे भिलनी देख रही थी भगवान राम के मुख की तरफ, आंखों से आंसू बह रहे थे, अपना कपड़ा उतार कर सिर का चीर उस चीर के ऊपर महाभारत हो गया था द्रौपदी के चीर हरण पे, और सबरी ने अपना वो फटारा फटा पुराना चीर उतार कर भगवान के चरण के नीचे बिछा दिया एक पत्थर पे, जब भगवान राम ने वो उठाकर चीर गिरनी को दे दिया, बेटी ये नीचे ना बिछा, तब वो रोने लगी कि हे प्रभु मेरे पास नया वस्त्र नहीं है, यही फटा पुराना है दाता, आपने शायद इसलिए स्वीकार नहीं किया होगा, आंखें पानी में रही। तब अपनी बेटी को सीने के लगा के ना, बेटी ऐसी बात नहीं है, बिछा दे, यही बिछा दे, मेरे लिए सोना है, यही मेरे लिए मलमल और मेरे लिए डनलप का गद्दा है। भाव ये है कहने का कि फिर अब गुरु को हमने भगवान मानना पड़ेगा, पर गुरु भगवान नहीं है, और भगवान गुरु को भगवान नहीं मानेंगे तो हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी, हम यहां फेल हो जाएंगे। इसलिए मान लो गुरु जी भगवान, और गुरु भगवान नहीं है और गुरु से भगवान से कम हमने मानना नहीं है, उसके दर्शन ही भगवान मान लेना कि यही प्रभु है, ये अनजान पड़ा, क्योंकि इष्ट कोई और है जिसकी उपासना गुरु बताओगा, इष्ट ये कोई बताते ही नहीं, गुरु ही इष्ट और गुरु ही पूज्य, ये कोई बात नहीं बनी। अब कबीर साहब की वाणी बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नरकैये अंध, हुए दुखी संसार में आग गए यम के फंद। अब गुरु को हमने भगवान मान लेना चाहिए कि हमारे सामने हमारे कबीर परमेश्वर बैठे हैं, और वो अब आ जावे, मान लो कोई विष्णु उपासक है, कोई श्री कृष्ण जी का उपासक है, और सामने उनके गुरु जी के स्थान पर कृष्ण जी आके विराजमान हो जावे, तो आप क्या भाव होगा। यानी इतना विनम्र श्रद्धा गुरु को भगवान मानने से हमारे में आथिनी विनम्रता और उनकी आज्ञा का पालन करने की जो है ना समर्थता बनी रहेगी, भावना बनी रहेगी। इसलिए कहा है गुरु भगवान मानना चाहिए, लेकिन गुरु जब पूर्ण संत होगा जिसके ऊपर उस ईश्वर की कृपा है, तो त्रिकुटी पर आकर वही प्रभु पूर्ण परमात्मा उसी गुरु के रूप में आपको लेकर चलेगा, और उसमें से आपको दोनों छलक आएंगी। गुरु कभी गुरु जी दिखेंगे, कभी वो इष्ट रूप दिखेगा, कभी गुरु जी दिखेंगे कभी इष्ट रूप दिखेगा, तो फिर उन दोनों का समावेश, कभी इष्ट उससे बाहर निकल रहा है, कभी इष्ट उसमें समावेश हो रहा है, तब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा त्रिकुटी कमल से, फिर आप उसके साथ साथ अपने लोक में ले जाएगा। ऐसे ही काल भी अपने भेजे हुए संतों का, संदेश वाहकों का, संतों का रूप बनाकर आता है। ऐसा तो यहां तक गुरु को हमने भगवान मानना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक ब्याज का, एक ऋण का सवाल होता है, उसमें दर नहीं दिया होता, साथ में मूलधन नहीं होता, हमने मूलधन निकालना होता, साथ में दर भी निकालना होता है, तो उसमें हमने मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, हमने 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा, तब दर निकलेगी, फिर उसका मल्टीप्लाई करके गुना करके फिर हम मूलधन निकालेंगे। उस 100 रुपये मूलधन माने बिना वो मूलधन मूल राशि करोड़ों रुपए की नहीं मिलेगी, हम पास नहीं होंगे, हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, हमारा उत्तर ठीक नहीं होगा। ऐसे ही हमने मानना होगा, मान लीजिए गुरुजी भगवान, तब वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
केवल इतना रोल गुरु का एज ए गॉड हमने मानना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को समझ लेना, गुरु भगवान भी है और नहीं भी है, तब आप समझ पाओगे। ये केवल गुरुजी दिखे बस वो भगवान है, प्रकाश दिखे वो भगवान है, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए अगर अंदर दिखने वाला वह रोशनी ही प्रभु होते और ये अनहद नाद ही प्रभु का काम करते, जैसे सुदामा जी बहुत गरीब थे और उनके बच्चे कई बार भूखे रह जाते थे, भोजन नहीं मिलता था। सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुदामा जी से कि आप कहते हो मेरे दोस्त श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश हैं, हम सहपाठी थे, कभी वो हमारे घर आते थे, कभी मैं उनके घर जाता था जब हम पढ़ा करते थे। तो उसकी पत्नी धर्म पत्नी ने कहा सुदामा जी की ने कि आप जाओ और श्री कृष्ण जी से कुछ धन मांग लाओ, हम बहुत दुखी हो गए, आपका दोस्त है। सुदामा जी ब्राह्मण थे, सुदामा जी ने कहा कि मर जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। मैं ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। और गरीबदास जी कहते जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, दर दर फरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका मांग ना पीवे पानी, नट पेरना कांदर सासी मांगे तय बठियारे, और जिनकी लो लागे हरि पूर्ण परमात्मा में, वो तो मोती देवे उतारे। कबीर साहब भी कहते मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सुदामा जी को ज्यादा बार बार परेशान किया, उसकी पत्नी ने मजबूर किया, अपने मन में ये सोच के ठीक है ये कह रही है चला जाता हूं, भगवान के दर्शन कराऊंगा लेकिन अपने मुख से मांगूंगा नहीं, ऐसा ही किया। अब जब प्रभु के पास, त्रिलोकीय प्रभु यानी विभागीय मंत्री श्री कृष्ण जी के पास सुदामा जी पहुंचे, उसकी पत्नी ने आदर सत्कार के लिए कुछ चावल दे दिए थे, वो भी भून बान के, और क्योंकि ले जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ फल, कोई कुछ ले जाता था पहले, ऐसे थोड़ा सा सूखा हलवा बनाकर ले जाते थे, इतना उनका बहुत नहीं था, चावल थे थोड़े से, वही भून बान के डाल दिए कि खाली हाथ ना जाइयो। अब देखो वो हृदय वाली रोशनी जो ये बता रहे हैं, अंदर वाली रोशनी और अनहद नाद सुदामा जी में पहले ही थे, उस साकार भगवान के पास जाना पड़ा उसने, और जब वो गए तो उस साकार भगवान ने श्री कृष्ण त्रिलोकीय प्रभु ने जब पता चला कि द्वार पे कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और आपको अपना सहपाठी बताता है, ओए होए, इतना वाक्य पूरा उस पैरे संदेश वाहक ने अर्थात उनके नौकर ने सिपाही ने पहरेदार ने जाके पूरा भी नहीं किया था कि द्रावड़ देश का एक ब्राह्मण सुदामा नाम का ब्राह्मण आपको अपना सहपाठी बताता है, आपसे मिलना चाहता है, द्वार पे खड़ा, उसको आने दे या नहीं आने दे, इतना भी वाक्य वो द्वारपाल नहीं पूरा कर पाया था। भगवान कृष्ण सिंहासन छोड़कर भाग लिए नंगे पैरा, और मैले कुचले फटे पुराने कपड़ों को जस में धूल भरी हुई, और उस सीने से लगा लिया अपने प्यारे दोस्त को, अपनी प्यारी आत्मा को, अपनी प्यारी भक्त आत्मा को, और अंदर ले गए, अपने हाथों पैर धोए, बढ़िया कपड़े सिलवाए, भोजन खिलाया, अपने हाथ खाओ दोस्त, भोजन पाओ मेरे बच्चे। अब यहां अगर अंदर की लाइट तो उसमें पहले ही थी, सुदामा में भगवान श्री कृष्ण कह देते यहां क्या करने आया, वो लाइट तेरे अंदर है, उसने देख ले जाके अगर ने, क्या वो श्री कृष्ण से भी ज्यादा जानने वाले हैं ये महापुरुष। और फिर उसे वर्तमान में आए हुए भगवान ने लाइट ना बताई, उसने नाम तो पहले जपते ही थे, ओम नाम का जाप शास्त्रों में प्रमाण है, दूसरी बात ही कोनी। फिर कहा के जाओ, हाँ अपने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा विश्वकर्मा मेरे दोस्त का महल बना दे, धन दे दे। कब दिया,
जब थोड़ा सा भोग लगा लिया काय का उन चावलों का, अब ऐसे रक्षा किसने की उस मनुष्य रूप में प्रभु ने, उस लाइट ने मदद नहीं की, बात उसके अंदर पहले ही थी। और ये स्वयं कह रहे हैं कि जो श्वास का सो हम कहो चाहे, ये अपनी तरफ से कहते हैं स हम स, ये तो कहते हैं अंदर श्वास में आप पे ही गूंज हो रही है, या तो भगवान कृष्ण में पहले ही हो रही थी ना, इसमें सुदामा जी में भी हो रही थी, तो उसने कोई मदद नहीं की। और दूसरे, जब पांडवों को वनवास हुआ हुआ था, दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने बाग में रखा, खूब मेवा खुवाई, बड़े प्यार दिया, दूध पिलाया, और फिर 12 वर्ष के बाद एक दिन कहा, दुर्वासा जी मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। दुर्वासा जी ने कहा कि मांग दुर्योधन, के मांगे, खुश हो के तूने बड़ी सेवा की है मेरी, वचनबद्ध हो जाओ। दुर्योधन बोला दुर्वासा जी ते, दुर्वासा जी ने कहा मैं वचनबद्ध हुआ, मांग क्या मांगता है। दुर्योधन ने कहा कि पांडव वनवास गए हुए हैं, उनका 12वां वर्ष पूरा होने वाला है, और आप उनको श्राप दे दो, वो विनाश हो जाए उनका। अब दुर्वासा जी कहने लगे, दुर्योधन बिना किसी कसूर के, थोड़ा बहुत को बहाना बने बिना मैं श्राप नहीं दे सकता। तो दुर्योधन कहने लगा ठीक है, तू अपने वचन से उल्टा हट जा, मैं तेरी बदनामी करूंगा सारे देश में, तूने वचन किया है। फिर दुर्योधन कहता ऐसे करना, आप देर से जाना शाम को, और ज्यादा ऋषि ले जाना अपने बहुत ज्यादा, और पांडव वनवास में है, उनके पास आहार होगा नहीं, वो तुम्हें भोजन एज ए अतिथि, एज ए गेस्ट, अतिथि तौर पर आप जाओगे, शाम के समय रुकोगे, और अतिथि को भोजन नहीं कराया जाएगा, तो आप उनको श्राप दे देना, पर जाना देर से, नहीं तो द्रौपदी के पास एक ऐसा कलश है, उसमें जब तक वो भोजन नहीं खा लेती, उस दिन का बनाया हुआ भोजन वो समाप्त नहीं होता, चाहे कितने ही यानी मनुष्य उसमें भोजन पा जावे। दुर्वासा जी ने ये बात सकीम ठीक लगी। श्याम थोड़ा देर गए, वहां पहुंचे जहां पर पांडव अपना वनवास भोग रहे थे, एक नहर के ऊपर जाकर 88,000 ऋषियों को लेकर दुर्वासा पहुंच गए। संदेशा भिजवा दिया पांडवों को कि दुर्वासा जी आए हैं, हमारा भोजन प्रबंध करवाओ, 88,000 ऋषि मेरे साथ हैं। अब जंगल में बेचारे आप ही घास तोड़ के खाने वाले, घास फूस तोड़ के खाने वाले, और 88,000 को भोजन करवाना, नहीं करवाए तो श्राप दे दिया जाएगा। यह संदेशा पाकर सभी पांडव चिंतित हुए, द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने कहा कि यदि दुर्वासा जी मेरे भोजन खाने से पहले आ जाते तो कोई चिंता नहीं थी, अब मैंने भोजन पा लिया, अब मैं मजबूर हूं। फिर सभी ने कहा कि द्रौपदी, हे द्रौपदी, आप याद करो भगवान कृष्ण को, वो आपके बुलाने से शीघ्र आ जाते, आपकी पुकार सुनेगा प्रभु, याद करो। उसमें द्रौपदी ने याद किया, कुछ ही देर के बाद क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। ओए होए, सब कहने लगे भगवान बड़े समय पर आए आप, तो आप तो जानी जान हो, हृदय की पुकार सुनने वाले हो, बड़ी आपत्ति आई हुई थी हमारे पे, ए मालिक बड़े टाइम पर आए आप, पूछा क्या कारण है, क्या बात है, कैसे याद किया द्रौपदी। द्रौपदी ने बताया कि भगवान ऐसे ऐसे दुर्वासा आया है, दुर्योधन का बहकाया हुआ, और उसकी बदनीत है, हमें श्राप देगा। तो कृष्ण जी कहने लगे भाई एक काम करो, मुझे भोजन कराओ पहले, पीछे बात बने। अब द्रौपदी कहने लगे भगवान भोजन की तो समस्या है, मैंने भोजन पा लिया है, और ये कलश है मेरे पास सूर्य देव का दिया हुआ, जब तक मैं भोजन नहीं खाऊं तब तो चाहे तीनों लोक के प्राणी भी क्यों ना आ जाऊं, इसमें भोजन समाप्त नहीं होता। अब मैं भोजन खा चुकी हूं, अब इसमें कोई भोजन नहीं रहा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, किरका माने कोई कण भी पाजा, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा, पहले मैं इसका भोग लगाऊंगा फिर मैं इनका भोजन करवा सकता हूं, अन्यथा नहीं होगी। द्रौपदी कहने लगी महाराज जी बिल्कुल भी नहीं रहा। कृष्ण जी ने कहा कि ढूंढ इसमें कि एक पत्ता भी कोई कण भी मिल जाता है मैं उसमें पानी डाल के घोल के पी लूंगा। द्रौपदी ने देखा कि एक टोकने के नीचे अंदर उस कलश के अंदर एक साग का पत्ता, ये चावल दिखाते हैं, चावल बेचारे वहां का है कि खीर खावे थे जंगल में, साग का पत्ता हरी सब्जी का पत्ता लगा हुआ घास फूस का। कृष्ण जी ने कहा कि इसमें गिलास पानी डालकर खिला के और डाल मेरे गिलास में, पर भगवान ने पिया। पीते ही क्या हो गया, दुर्वासा जी 88,000 ऋषियों के पेट फटने को हो गए, इतने तो अच्छी तरह छिक गए, ऐसे छिक गए, ऐसा तृप्ति हो गई जैसे काजू मेवा किशमिश अंगूर खीर दूध हलवा पूरी कचौरी सब कुछ खाया हो, और ऐसे हो गए कोई कह देना अकेले रोटी खाओ उल्टी गिर जा, और लोटे और दरिया का ऊपर हजम करने के लिए ऐसे लोट लगा रहे मुश्किल सांस भी मुश्किल से आ रहा, इतना जबरदस्त छकाए दिए। अब दुर्वासा जी ने कहा था एक और उल्टी आंट लगाई थी कि भोजन में जब कर करूंगा आज ही आम बो आज ही अंगूर बीजो और उनके आज ही फल लगे, आज ही चावल बीजो आज ही उनके चावल लगे, और काम देनु का स्वर्ग से लाके दूध जब खीर बनाओ मानसरोवर का पानी लाओ और तब मेरे भोजन करवाना 88,000 ऋषियों की, तब मैं खुश होऊंगा नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। कितना गंदा इरादा, दो रोटी खाकर दुर्योधन की, ये वेदों के ज्ञाता दुर्वासा जैसे होते हुए भी इनमें दुर्बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन मेरी भक्ति में उत्तम है, ब्रह्म साधना ओम नाम के जाप तक भी उचित नहीं है, और ओम नाम का जाप ये ब्रह्म साधना का सबसे अंतिम मंत्र अंतिम उपलब्धि है। तो उसमें भगवान कृष्ण के भोग लगाते ही और वह सब छिक गए। कृष्ण जी ने कहा जा भीम जा बुला ला, और कहते ऋषि जी आओ भोजन तैयार है। भीम जब गया ऋषि जियों को देखा सारे ऐसे लोटे दरिया के ऊपर अपना एक्सरसाइज करे वो डाइजेस्ट करने के लिए, इतने तगड़े छिक गए, ऐसी तृप्ति कर दी। दुर्वासा ने कहा भीमसेन भाई तुम्हारे कोई परम शक्ति आई है, इस तीन लोक का कोई प्रभु आया है, कृष्ण जी आए हैं क्या? भीम जी ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ कृष्ण जी आए हैं भाई, हमने खूब ऐसे छिक गए भीम हमता है, ओए होए ऐसी तृप्ति होगी, ऐसे मोहन भोजन ऐसे व्यंजन युक्त भोजन हमने कभी नहीं खाए थे, और फिर चल पड़े वहां ते आशीर्वाद दे दिया, सुबह चलते तुफा के तुम्हारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया दुर्वासा जी ने कि तुम्हारे दुश्मन मरो, आए थे श्राप देने और उल्टा श्राप आशीर्वाद दे दिया, और वो श्राप फिर पांडवों पर लग गया ना कौरवों पर लग गया। दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, कौरवों को लगे तावा तीनू ताप। अब मैं जो बताना चाह रहा था ये दास आपको कि वो फिर लाइट, तो भगवान कृष्ण कह देता है तुम्हारे अंदर लाइट है उसको देख लो, बस ध्यान लगा लो बेड़ा पार हो जाएगा, और कान ऐसे बंद करके सुन लो, ऐसी आपत्ति आ जावे कौन तो ध्यान लगा सके और कौन उस रोशनी ने ढूंढे, ऐसे समाधान हो इस दुख का फिर प्रभु याद आवे, फिर उसका नाम रटे नाम की कमाई से जीव का छुटकारा होगा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।